नमस्कार, अभी भगवानपुर प्रखंड के सहथा पंचायत में है। देखिए किस तरह से यह रोड टूटा हुआ है। कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन के सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार के यहाँ। हाँ भैया बताइए, यह रोड कैसा बना है? रोड अच्छा बना है? रोड अच्छा नहीं बना है। सभी जनता इससे नाखुश है, और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार, अज्ञात जानकारी से प्राप्त हुआ है कि यह रोड जो है बहुत ही खराब बना है। और ऐसा और देखने कितना दिन पहले रोड ढलाया था? 15 दिन पहले ढलाया था यह रोड। अच्छा, 15 दिन पहले ढलाया था। देखिए किस तरह से यह गिट्टी निकल रहा है। अच्छा, यह देखिए किस तरह से यह रोड है, और रोड की बात है, और यह जनता की क्या रिव्यू आ रहा है। देखिए किस तरह से नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यह देखिए किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार का यह रोड शिकार हो गया, और इसका खामियाजा जनता लोग को भुगतना पड़ेगा। किस तरह से यह देख सकते हैं आप, बताइए सर जी। यह रोड जो बना हुआ है, रोड से कितने % आप सेटिस्फाइड है? आपको लगता है कि रोड कितने दिन पहले ढलाया था, और कितना दिन तक चल पाएगा? 7 रोज तो पहले बना है क्या? अच्छा, 15 रोज बताइए, 15 रोज में इस तरह से हो गया? इतना पैर से मार दीजिए, कहते इसका सारा गिट्टी निकल रहा है। ये कितना दिन तक चलेगा, आपको लगता है कि ये रोड तक चल पाएगा? नहीं तो 2-4 महीना में उड़ जाएगा, पूरा गर्दा हो जाएगा। और अभी भी रोड वहाँ से निकल रहा है। हाँ, तो हम देखने किए हैं कि रोड निकल रहा है। एक मिनट बताइए सर, ये रोड कितने दिन पहले बना है, और ये रोड पे कितना अच्छा रोड बना है कि खराब रोड बना है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? रोड तो भ्रष्टाचार का भाई भेंट चढ़ गया है। बताइए कि इसमें 15 दिन भी नहीं हुआ। कहाँ का ठेकेदार था यहाँ? ठेकेदार का तो पता नहीं है भाई, लेकिन गाँव का कोई रहा होगा जो करवाया है ना। अच्छा अच्छा, आप लोग ग्रामीण हुए कि अलग के आदमी? ग्रामीण है। तो आप लोग देखे ना, इस तरह से जब रोड बना रहता तो उसी समय रोक लगाना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। अच्छा अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए किस तरह से यह रोड टूट चुका है, और ऐसा भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ गया है जिस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यह नीचा से ऊपर तक सब कोई देखिए किस तरह से यहाँ रोड़ा उखड़ रहा है। यह गिट्टी का स्थिति देखिए, या देखिए किस तरह से यह रोड़ा उखड़ रहा है। देखिए यह किस तरह से यह गिट्टी उखड़ रहा है। देखिए किस तरह से यह रोड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसमें पीच और अलकतरा भी कम दिया है 100% से। यह लगता है कि नीचा से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, और इसमें सब में हिस्सेदारी बांटा गया है। देखिए यह रोड का स्थिति देखिए, देखिए किस तरह से यह गिट्टी उखड़ रहा है। देखिए यहाँ, देखिए आप इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से यह गिट्टी उखड़ रहा है। देखिए किस तरह से यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए नीचा से ऊपर तक इसमें सब जगह, इसमें देखिए। हाँ बताइए सर जी, आप बता सकते हैं, आप जो रोड बना है, हाँ। तो रोड बहुत खराब बना है। देखने का चीज है कि रोड नजर पड़ रहा है जो ऐसे, और जो ऐसे पूरा गिट्टी उड़ गया। आइए इधर दिखाइए फोटो पर, इधर दिखाइए। देखिए हाँ, जनता क्या दिखा रहा है ऐसे, क्या यह रोड बनता है? ये देखिए, देखिए बहुत ही गड़बड़ स्थिति हो गया है। क्या दशा है रोड का, और मैं अलग दिखाता हूँ। आगे बढ़िए, देखिए किस तरह से यह रोड है। देखिए क्या दशा है, देखिए रोड का, देखिए क्या रोड का है, क्या है, देखिए बाहर का रख दिया। आप चेक करके देखिए, देखिए किस तरह से यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। अरे चले, हम चलिए, गाड़ी आपके पास है। ग्रामीण लोग हैं, और बताइए कि यह रोड सर जी किस तरह बना है, यह कितने दिनों तक रोड चल पाएगा? अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? कितना रोड खराब रोड चल रहा है, क्या होगा? हाँ, यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। यह रोड जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आए दिन इनका न्यूज आता है कि कभी पुल गिर जाता है, कभी रोड खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। देखिए किस तरह से यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है यह रोड। और इस तरह से यह रोड बनाने का साफ मकसद है कि
जनता लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता लोग भी होशियार नहीं है। एक मिनट देखिए किस तरह से यहाँ भी देखिए यह भ्रष्टाचार का भेंट चल गया। देखिए यह गिट्टी निकल रहा है, देखिए यह गिट्टी निकल रहा है, अभी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। बताइए हर जगह से साइड से जगह भी लेने के बावजूद भी इनको जो सही ढंग से नहीं बना, रोड व्यक्ति के सुविधा के लिए बनाया था, यह रोड से तो असुविधा हो रहा होगा, सुविधा हो रहा है। पैदल से देखिए, इसमें पैदल चलने की तो बात की बात छोड़िए, गाड़ी से चलने भी परेशानी होगा, तुरंत पंचर हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा पंचर हो जाएगा, पैर में गिट्टी भोका जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। बताइए सर जी, इस पर आपको क्या कहना है, आप बता सकते हैं? दो नंबर काम हुआ है। दो नंबर का बहुत काम हुआ है, दो नंबर नहीं थर्ड क्लास का काम हुआ है। घसेगा तो रोड दिख रहा है। हाँ उतना देखने के लिए उधर हम घसे हैं, देखिए उनसे पूछिए वो बताएं। बताइए सर जी, इस पर आपको क्या कहना है, बताइए इसीलिए तो हम आए हैं। चलिए ठीक है, रोड उखड़ रहा है, रोड उखड़ रहा है। देखिए बहुत गलत तरीका से यहाँ काम हुआ है, वहाँ उखड़ा।